हेलो गाइस, ये है वाईजी लॉ और आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ में टेस्टामेंट्री सक्सेशन। हिंदू लॉ का अगर वीडियो देखा तो मैंने उसमें पूरा समझा दिया था कि टेस्टामेंट्री सक्सेशन क्या होता है। टेस्टामेंट्री सक्सेशन में जो टेस्टामेंट है ना, ये विल होती है, तो विल के थ्रू जो सक्सेशन होता है उसको बोलते हैं टेस्टामेंट्री सक्सेशन। तो बेसिकली हम इसमें विल के बारे में पढ़ेंगे, मुस्लिम लॉ के अंडर विल का क्या हिसाब है। अब विल क्या होती है? विल होती है बेसिकली मुस्लिम लॉ में, एक पेपर पे अगर आप इंस्ट्रक्शन लिख दोगे, टेस्टेटर मतलब जो विल बना रहा है वो अगर इंस्ट्रक्शन लिख देगा कि उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी उसके मरने के बाद, तो उसे विल बोलेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि विल हमेशा पेपर पे लिखी हुई हो, ऐसी कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली वर्ड्स की भी ज़रूरत नहीं है। बिना बोले भी कोई विल बना सकता है, एज लॉन्ग एज द इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर इज सफिशियंटली असर्टेन। मतलब आप किसी तरह से पता लगा लो कि जो टेस्टेटर है, जो विल बना रहा है, वो विल में क्या करवाना चाहता है, तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है मुस्लिम लॉ में, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ओरली विल बनाई है, लिखा हुआ कुछ नहीं है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ काफ़ी हैवी हो जाएगा। तो बेटर है कि लिख लो ताकि प्रूफ रहे, ठीक है। नहीं लिखो तो भी हो सकता है, लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको कैसे पता कि उनकी विल ये है, जब उन्हें लिख के ही नहीं गए तो, ठीक है। अगर विल लिखी हुई होती है तो उसको मुस्लिम लॉ में वसीयत नामा बोलते हैं। इसके बाद मुस्लिम लॉ में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो हिंदू लॉ में नहीं है, कि प्रॉफिट जो थे ना, प्रॉफिट मोहम्मद, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो पावर ऑफ मेकिंग अ विल है, ठीक है, जो विल बनाने की पावर है, वो इतनी एक्सरसाइज नहीं कर देनी चाहिए कि इंजरी हो जाए जो लॉफुल हेयर्स हैं। लॉफुल हेयर्स मतलब जो वारिस हैं प्रॉपर्टी के लीगली, उनके अगेंस्ट विल इतनी नहीं बना दो आप कि उनको प्रॉपर्टी ना मिले, ठीक है, उनको इंजरी हो जाएगी ना। आप जैसे मान लो विल बना रहे हो और वो विल नहीं बनाते, तो ये 3 जनों को प्रॉपर्टी जाती, लेकिन आपने विल बना दी तो ये 2 जनों को प्रॉपर्टी गई, तो इन 3ों का तो नुकसान हो गया ना। तो प्रॉफिट मोहम्मद के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, तो विल पे एक लिमिट सेट हुई। तो मुस्लिम लॉ में 1/3 रूल अप्लाई करता है सारी विल पे। 1/3 रूल क्या है? 1/3 रूल ये है कि मान लो ये प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी का सिर्फ 1/3 पार्ट जो है ना, 1/3 वो सिर्फ टेस्टामेंट्री सक्सेशन से विल के थ्रू अपनी 1/3 प्रॉपर्टी दे सकते हो। जो ये बाकी की बची हुई 2/3 प्रॉपर्टी है ना, ये जाएगी इंटेस्टेट सक्सेशन से, ठीक है। ये इंटेस्टेट सक्सेशन अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अभी अपन सिर्फ टेस्टामेंट्री सक्सेशन पढ़ रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये ध्यान रखना कि आप टेस्टामेंट्री सक्सेशन से मुस्लिम लॉ में सिर्फ 1/3 प्रॉपर्टी ही दे सकते हो, बाकी 2/3 इनहेरिटेंस के रूल के हिसाब से जाएगी, इंटेस्टेट सक्सेशन के हिसाब से ही जाएगी। मुस्लिम लॉ में जो विल के रिगार्डिंग रूल्स हैं उसको अपन 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो जो टेस्टेटर है, जो विल बना रहा है, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए विल बनाने के लिए। दूसरा, जो लेगेटी है, जिसको लेगेसी मिल रही है, बिक्वेस्ट मिल रहा है, मतलब जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए प्रॉपर्टी लेने के लिए। तीसरा है, जो सब्जेक्ट है, जो प्रॉपर्टी है, वो वैलिड होनी चाहिए, वो ऐसे नहीं कि आप किसी की भी प्रॉपर्टी दे दी, वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और जो बिक्वेस्ट है वो लिमिट्स में होना चाहिए, जो टेस्टामेंट्री पावर की लिमिट्स है, जो कि अपन ने भी बताया था 1/3 है ना लिमिट की, 1/3 ही प्रॉपर्टी दे सकते हो, तो वो लिमिट की बात आ गई। तो अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। टेस्टेटर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू मेक द विल। टेस्टेटर कॉम्पिटेंट कब होगा? अगर वो मेजर होगा, मेजर 18+ होगा नॉर्मल कैटेगरी में, और 21+ अगर वो सुपरविजन ऑफ कोर्ट्स ऑफ वार्ड के अंडर में है, ठीक है, तो 21+ पे मेजर होगा। अगर माइनर विल बनाता है तो वो विल वॉइड होगी, लेकिन अगर वो माइनर 18+ का होके उस विल को रेटिफाई कर देता है, ठीक है, मान लो कोई 7 साल का बच्चा विल बनाता है तो विल वॉइड है, अगर वो मर गया 16 साल की उम्र में तो वो विल नहीं मानी जाएगी। लेकिन मान लो वो 18 का हो गया और उसके बाद उसने विल को रेटिफाई कर दिया, तो वो विल वैलिड हो जाएगी जो 7 साल की उम्र में बनाई है। अगली क्वालिफिकेशन है कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग द विल, मतलब वो पागल नहीं होना चाहिए। उसका डिस्पोजिंग माइंड होना चाहिए, डिस्पोजिंग माइंड का मतलब है कि उसको समझ में आना चाहिए कि वो जो कर रहा है उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, मतलब विल बनाने से जो वो कर रहा है उसको सब समझ में आना चाहिए, बेसिकली साउंड माइंड का मतलब। अगर किसी को ऐसा लग रहा है मैं मरने वाला हूँ और उस मरने वाले डर में वो विल बनाता है, तो वो वैलिड विल होगी। लेकिन अगर कोई आदमी शिया लॉ में, ये सिर्फ शिया लॉ के अंडर है, कि अगर कोई आदमी जिसने अटेम्प्ट टू सुसाइड करा और उसके बाद वो विल बनाता है अटेम्प्ट टू सुसाइड के बाद, तो वो वॉइड विल होगी। फिर अपना जनरल, अगर विल बनाई है अंडू इन्फ्लुएंस के अंडर, कोअर्शन के अंडर, फ्रॉड के अंदर, ठीक है, कोई मिस्टेक विस्टेक के अंडर, तो वो विल वैलिड नहीं होगी। तो ये हो गई बात विल बनाने वाले की। अब जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है उसकी बात करते हैं। द लेगेटी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू टेक द लेगेसी और बिक्वेस्ट। कोई भी इंसान जो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, भले वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, पागल हो, बच्चा हो, माँ के पेट के अंदर बच्चा हो,
विल का रेसिपिएंट हो सकता है। तो सेक्स, एज, जेंडर, वेंडर, क्रीड, रिलीजन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बंदा ले सकता है प्रॉपर्टी उस विल के अंडर में। अगर कोई अनबॉर्न पर्सन है तो उसके लिए भी वैलिड है, मैंने बताई दिया। लेकिन इसके डिटेल्स ये हैं कि जो मतलब विल बनाई, ठीक है, बंदा मर गया, और वो विल बनाने के बंदे के मरने के बाद अगर 6 महीने के अंदर अंदर बच्चा पैदा हो गया तो उसको मिल जाएगा, तो विल वैलिड होगी, ठीक है। ये रूल है सुन्नी का, और 10 मंथ का रूल दिया शिया में। 9 महीने में तो बच्चा नॉर्मली पैदा हो जाता है, तो शिया के हिसाब से अगर 10 महीने के अंदर अंदर विल बनाने के बाद बच्चा पैदा हो गया तो वैलिड होगा, और 6 महीने के अंदर अंदर हो गया तो सुन्नी में वैलिड होगा। कोई इंस्टीट्यूशन, ज्यूरिस्टिक पर्सन, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन के नाम पे भी आप कर सकते हो विल, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो या कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन प्रमोट करता है एक रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, इस्लाम के अलावा कोई रिलीजन अगर प्रमोट करता है कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या कोई और इंस्टीट्यूशन, जैसे कोई हिंदू टेम्पल के नाम पर विल नहीं कर सकता मुसलमान, क्रिश्चियन चर्च के नाम पर विल नहीं कर सकता मुसलमान, तो ये एक रूल है। उसके बाद आप किसी रिलीजियस या चैरिटेबल कॉज के लिए भी विल अपनी कर सकते हो कि उनके नाम पे चला जाएगा पूरा प्रॉपर्टी। लेकिन जो इस्लाम के अनलॉफुल है ना, मतलब कोई मान लो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो पोर्क मीट बांटता है, पोर्क का मीट तो इस्लाम में हराम है ना, नहीं खा सकते आप जो सुअर का मीट होता है, तो दूसरा रिलीजन प्रमोट नहीं करना चाहिए और इस्लाम के अपोज्ड में नहीं होना चाहिए वो इंस्टीट्यूशन, समझ गए, या चैरिटी या जो भी जिसके नाम पर विल कर रहे हो। जो लेगेटर है, लेगेटर मतलब टेस्टेटर जिसने विल बनाई है, ठीक है, उसकी डेथ किसी ने कॉज करी तो उसके नाम पे नहीं कर सकते विल। जैसे मान लो मेरे नाम पे विल है, मुझे पता पड़ गया कि अरे मेरे नाम पे उसने प्रॉपर्टी कर रखी, मैं जाके उसका मर्डर कर दूँ तो मेरे को नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑब्वियस रीजंस, ठीक है, मैंने मर्डर ही प्रॉपर्टी के लिए किया ना। तो जो मार रहा है बंदे को, टेस्टेटर को, वो कॉम्पिटेंट लेगेटी नहीं हो सकता। ज्वाइंट लेगेटी क्या होते हैं? ज्वाइंट लेगेटी होते हैं कि मान लो एक बंदे ने विल में ए और बी और सी, ये तीनों का नाम लिया है, ये तीनों को मेरी प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन बताया नहीं कितनी कितनी मिलेगी, तो इन तीनों को ज्वाइंट लेगेटी बोलेंगे और इन तीनों को इक्वल 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 मिल जाएगी। और जो भी अपना लेगेटी है जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है, ठीक है, उसके पास राइट है कि वो मना कर दे कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये बिक्वेस्ट चाहिए नहीं, विल में जो लिखा है मेरे को नहीं चाहिए, वो डिसओन कर दे उसको, तो उसके पास पूरा राइट है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी की बात, कि प्रॉपर्टी वैलिड होनी चाहिए जो आप दे रहे हो विल में, वो प्रॉपर्टी की वैलिडिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि टेस्टेटर ओनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का, जिस प्रॉपर्टी का आप ओनर हो उसी को तो विल में दे सकते हो, आप किसी और की प्रॉपर्टी, पड़ोसी की प्रॉपर्टी थोड़ी ना अपनी विल में दे के चले जाओगे। प्रॉपर्टी मूवेबल, इमूवेबल, कॉर्पोरल, इनकॉर्पोरल कोई सी भी हो सकती है। मूवेबल तो आप समझ गए होगे, टेबल, कुर्सी, टीवी, गाड़ी, ये सब मूवेबल। इमूवेबल मतलब घर, जमीन, ठीक है, ये सब इमूवेबल। कॉर्पोरल वो प्रॉपर्टी होती है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी ज़मीन, ये कॉर्पोरल प्रॉपर्टी है। इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी होती है जिसको आप छू नहीं सकते, ठीक है, जैसे कंपनी के शेयर्स हो गए, उसको आप छू नहीं सकते, वो है लेकिन आप उसको छू नहीं सकते, फिजिकल नहीं है वो, या आपका पेटेंट हो गया या आपका कॉपीराइट हो गया, सब इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी होती है। तो इनमें से कोई सी भी प्रॉपर्टी आप दे सकते हो। जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र करने के लायक होनी चाहिए। प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए टेस्टेटर की डेथ के टाइम पे। अब मान लो कोई बंदा है ए, ठीक है, इसने बोला कि मेरा जो स्कूल है वो स्कूल मेरी बेटी के नाम होगा जब मैं मरूंगा। अब हो सकता है कि ए ने जब ये विल बनाई तब उसकी उम्र 37 साल थी और वो स्कूल खोलने जा रहा था, लेकिन वो स्कूल खुला नहीं था। लेकिन जब ए की डेथ हुई 58 साल में, मान लो ए की डेथ हुई, तब वो स्कूल बन चुका था, तो ये विल वैलिड होगी। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी वो नाम कर रहा है वो विल बनाते हुए एग्जिस्टेंस में हो, डेथ के टाइम पे वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में अगर है तो वो विल वैलिड है, ठीक है। जो विल में आप दे रहे हो सामान, प्रॉपर्टी जो भी दे रहे हो, वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, ठीक है, उस पर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अब मान लो ए ने सी को कुछ प्रॉपर्टी दी, अगर वो शादी कर लेती है तो, ठीक है, तो ये जो शादी वाली कंडीशन है ना, ये कैंसिल हो जाएगी, प्रॉपर्टी सी को मिल जाएगी, बस वो कंडीशन कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ओनली द कंडीशन विल बी वॉइड, विल अभी भी वैलिड रहेगी। ऑल्टरनेटिव रिक्वेस्ट आप देते हो, जैसे मान लो ए की प्रॉपर्टी है, ए ने बोला मेरे मरने के बाद बी को दे देना, अगर बी जिंदा नहीं हो तो सी को दे देना, और सी जिंदा नहीं हो तो एक चैरिटी में दे देना, तो ये आप मुस्लिम लॉ में कर सकते हो, ये वैलिड रहेगा। तो ये बात हो गई प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी की क्या, क्वालिटेटिव बात, की प्रॉपर्टी किस टाइप की हो सकती है, प्रॉपर्टी की वैलिडिटी की बात। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी की क्वांटिटेटिव बात, कि प्रॉपर्टी आप कितनी दे सकते हो। जैसा कि अपन ने पढ़ा ना कि 1/3 रूल अप्लाई होता है, अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें से सिर्फ 1/3 ही आप टेस्टामेंट्री सक्सेशन के थ्रू दे सकते हो, पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन आपके पास एक तरीका है, मान लो आपके हायर्स हैं, मतलब आपके हायर्स मतलब आपके वारिस जो हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जने हैं, ठीक है,
अब आपने, ए बंदा है, इसने अपने सारे वारिस से परमिशन ले ली कि भाई मैं 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी दे दूं क्या अपनी? अगर इन सब ने हाँ कर दिया, इन सब ने कंसेंट दे दी, तो वो दे सकता है, ठीक है, ज़्यादा प्रॉपर्टी 1/3 से भी, लेकिन इन सब की कंसेंट की ज़रूरत होगी। ये 1/3 लिमिट वाला रूल तब अप्लाई नहीं होगा अगर उस मुस्लिम ने जो प्रॉपर्टी दे रहा है या दे रही है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर में शादी करी है। अगर उसने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर में शादी करी है तो उसके पास वो टेस्टेटर की सारी पावर होगी जो इंडियन सक्सेशन एक्ट में होती है 1925, और इंडियन सक्सेशन एक्ट में 1/3 वाला रूल कुछ नहीं है, वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी दे सकता है जिसको चाहे विल में। तो अगर उसने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करी है, उसने मतलब लड़का लड़की कोई भी हो सकता है जो भी विल बना रहा है, तो वो इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न होगा, मुस्लिम लॉ से गवर्न नहीं होगा। तो ये हो गई क्वांटिटेटिव बात। अब ये 1/3 प्रॉपर्टी से रिलेटेड दो रूल्स हैं, ये रूल्स भी अपने को पढ़ने हैं। एक है रूल ऑफ क्रोनोलॉजिकल प्रायोरिटी, शिया लॉ में ये है। अब मान लो किसी ने विल में लिखा कि ए बंदे को मेरी 10% प्रॉपर्टी मिलेगी और बी बंदे को मेरी 20% प्रॉपर्टी मिलेगी और सी बंदे को मेरी 15% प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है, लेकिन इसमें इस ऑर्डर में ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब टोटल तो 1/3 ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो शिया लॉ में ये हिसाब है कि जो ये ए बी सी को मिलेगी ना प्रॉपर्टी, ये ऑर्डर में मिलेगी। ए को 10% दे देंगे, बी को 20% दे देंगे। अब मान लो ये 10 और 20% में 1/3 ख़त्म हो गया, ठीक है, तो हो ही गया, क्योंकि 10 और 20 तो 30% हो गया, 1/3 होता है 33%, तो 33% में फिर ये जो सी है इसको 15% की जगह बस 3% ही मिलेगा, क्योंकि 33% ही अपर लिमिट है ना। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से जाओगे आप, जैसे विल में दे रखा है ए बी सी। और सुन्नी लॉ में रूल चलता है रूल ऑफ रेटेबल अबेटमेंट का। इसका मतलब है जैसे मान लो ए बी और सी ऐसे ही दे रखा है तीनों को, 10% और 20% और 15%। अब ये टोटल मिला के 10 और 20 30 और 45 हो गया, लेकिन 33 की लिमिट है, 1/3 ही दे सकते हो। तो इन सब का प्रोपोर्शन कम कर दिया जाएगा, इसको भी थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा, इसको भी थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा, और इसको भी प्रोपोर्शन में कम कर दिया जाएगा इन तीनों का, कि जोड़ के 33% आ जाए, इतना इन तीनों को कम कर दिया जाएगा। तो ये एक रूल का अंतर है, 1/3 वाला जो रूल है शिया लॉ में क्रोनोलॉजिकल प्रायोरिटी वाला होता है कि ऑर्डर से देते जाएंगे, एंड में नहीं बचा तो नहीं बचा, और सुन्नी लॉ में रूल ऑफ रेटेबल अबेटमेंट है कि तीनों का ही प्रपोर्शन कम कर देंगे ताकि तीनों को प्रपोर्शनली कम मिल जाए 1/3 के अंदर अंदर। तो ये तो हो गई कि विल में क्या क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। अब बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ विल की। एक मुस्लिम टेस्टेटर जिसने विल बनाई है वो रिवोक कर सकता है अपने लाइफ टाइम में विल को कभी भी। एक्सप्रेस रिवोकेशन भी हो सकता है, इम्प्लाइड रिवोकेशन भी हो सकता है। एक सिंपल और क्लियर डिक्लेरेशन बना दो कि भाई मैं उसको कैंसिल करा रहा हूँ विल को, ठीक है, एक फॉर्मल डीड बना दो कैंसलेशन या रिवोकेशन ऑफ विल की, तो वो रिवोक हो जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप विल रिवोक कर रहे हो, आप जैसे पुरानी विल है, ठीक है, आप इसको रिवोक कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक नई विल बनानी पड़ेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप पुरानी विल रिवोक कर दो और आप भले नई विल नहीं बनाओ, तो आप बिना विल के हो जाओगे, ठीक है, वैसे आपका इंटेस्टेट सक्सेशन हो जाएगा, टेस्टामेंट्री होएगा ही नहीं, तो ज़रूरी नहीं है नई विल बनाओ। एक और सिचुएशन आती है विल जब रिवोक हो जाती है, डेथ ऑफ लेगेटी। लेगेटी कौन होता है? मतलब विल से जिसको फ़ायदा हो रहा है, विल से जिसको मिल रही है बिक्वेस्ट, ठीक है, तो अब उसकी डेथ हो जाती है। मान लो आपने किसी के नाम विल करी और आपके मरने से पहले ही वो खुद ही मर गया, ठीक है, तो अब क्या करोगे? तो इसमें सुन्नी और शिया लॉ में अलग अलग हिसाब है। सुन्नी लॉ में तो ये हिसाब है कि अगर वो बंदा मर गया, ठीक है, बिक्वेस्ट उसके पास आने से पहले ही, विल ऑपरेट होने से पहले ही, तो वो कैंसिल हो जाएगी विल, और वो सारा का सारा जो है वो उसी टेस्टेटर के नाम पे चला जाएगा, और उस या तो उसके हायर्स में चला जाएगा या फिर वो दूसरी विल बना देगा तो उसके हिसाब से चला जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगी विल, ठीक है। लेकिन शिया लॉ में ये हिसाब है कि शिया लॉ में वो लैप्स नहीं होगी विल, वो लैप्स तभी होगी अगर लेगेटी मर गया, ठीक है, और लेगेटी के कोई वारिस नहीं है, मतलब लेगेटी मर गया और लेगेटी की प्रॉपर्टी लेने वाले भी कोई वारिस नहीं है, ठीक है, अगर वारिस हैं तो वो सारे वायरसों को उस जो लेगेटी को मिल रहा था वो मिल जाएगा। तो गाइज ये हो गया हमारा विल कंप्लीट। सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो गाइज, और यहाँ पे बाकी वीडियोस देख लो, और मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अब हम पढ़ेंगे इंटेस्टेट सक्सेशन। ये शायद फैमिली लॉ का सबसे टेक्निकल है हिंदू मुस्लिम लॉ में जो इंटेस्टेट सक्सेशन है। तो ध्यान से पढ़ेंगे अगले दोनों टॉपिक। अभी के लिए बाय बाय।